सो फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट करने वाले हैं चिदंबरम फावेस के स्पाइडरमैन को। बेसिकली एक टाइप का क्रैकलिंग स्काई शॉट है जिसमें आपको 3 पीस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 3 पीस देखने को मिलते हैं। सो बॉक्स की क्वालिटी तो काफी बढ़िया लग रही है। हमने इससे पहले भी इसको टेस्ट किया हुआ है, उसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया ही रहा है। केमिकल कॉम्पोजिशन इस तरीके का है एंड प्राइस की बात करें तो हमारे पे 600 रुपए लिखी हुई है और ये मुझे 229 रुपए के समथिंग पड़ा है। सो इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसके अंदर के स्काई शॉट दिखते कैसे हैं। सो ये इसके 3 मीडियम साइज के स्काई शॉट। क्वालिटी तो काफी बढ़िया लग रहे हैं और ऊपर से कैप भी लगाई गई है फॉर सेफ्टी के लिए, ताकि डस्ट वगैरह इसमें ना जाए। सो करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी बढ़िया बढ़िया साल भर टेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इसके 2 स्काई शॉट की टेस्टिंग करी और दोनों ही स्काई शॉट काफी बढ़िया चले। इसका स्टार फिश वाला इफेक्ट काफी बढ़िया रहता है जो कि क्रैकलिंग में होता है। इस तरह की डिस्प्ले आपको और भी फावेस कंपनी में देखने को मिल जाएगी, बट उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा होती है। एक स्काई शॉट की कॉस्टिंग 350-350 रुपए तक की होती है और ये आपको 250 रुपए तक में 3 शेल देखने को मिल जाते हैं। प्राइस के हिसाब से तो काफी बढ़िया इफेक्ट है और परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रहता है। सो मिलते हैं एक बड़े से टेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।